हे गाइस, आज हम अपने अपने प्राइस सेगमेंट का दो चैंपियन फोन, दो सॉलिड परफॉर्मेंस वाला फोन, दो धांसु फोन का स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। iQOO Neo 9 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज ₹35,000 एंड Poco X6 Pro 8GB RAM 256GB स्टोरेज ₹25,000। दोनों वीगन लेदर वाला स्मार्टफोन है, फ्लैट डिजाइन फ्लैट डिस्प्ले के साथ आता है। दोनों IP54 रेटेड स्मार्टफोन है। हेडफोन जैक नहीं मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में और ना ही माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा। डोंट वरी, 256GB स्टोरेज है तो काम आराम से चल जाएगा। iQOO Neo 9 Pro को पावर दिया है Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट ने एंड Poco X6 Pro को Dimensity 8300 Ultra ने एंड दोनों 8GB RAM वेरिएंट है। दोनों में LPDDR5X RAM मिल जाएगा एंड UFS 4.0 स्टोरेज एंड दोनों स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड OS पे रन कर रहा है। iQOO Neo 9 Pro में मिल जाएगा फ्रंट टच OS 14 एंड Poco X6 Pro में HyperOS 1.0.5.0। गाइस, iQOO Neo 9 Pro में मिलेगा 144Hz वाला AMOLED डिस्प्ले एंड Poco X6 Pro में 120Hz वाला, बट दोनों में रेजोल्यूशन मिलेगा 1.5K नॉट फुल HD प्लस। बैटरी कैपेसिटी दोनों का 5000mAh के आसपास मिल जाएगा। iQOO Neo 9 Pro में थोड़ा ज्यादा 5160mAh एंड iQOO में 120W फास्ट चार्जिंग मिलेगा, Poco में 67W। दोनों स्मार्टफोन का जो मेन कैमरा है OIS के साथ आता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाएगा 8MP का। Poco X6 Pro में 4K 30fps पे शूटिंग कर सकते हो एंड iQOO Neo 9 Pro में 4K 60fps एंड 8K 30fps पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलो आज करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट, साथ में दोनों का मल्टीटास्किंग में कैसा परफॉर्मेंस है ये भी चेक करेंगे, दोनों का 5G नेटवर्क स्पीड चेक करेंगे, वीडियो रेंडरिंग, बायोमेट्रिक सिस्टम बेंचमार्क और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं आज के वीडियो में। बूट पहले हो गया iQOO Neo 9 Pro। गाइस, बायोमेट्रिक सिस्टम की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा जो काम बहुत सही कर रहा है। दोनों फास्ट है एंड दोनों ही काफी एक्यूरेट है, बट अगर दोनों को कंपेयर करें तो iQOO Neo 9 Pro मुझे स्लाइटली फास्टर फील हो रहा है यहाँ पे। गाइस, दोनों में जियो का सिम डाल रखा है मैंने। अब मैं दोनों में एक प्ले स्टोर से 3GB का गेम डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन पहले गेम इंस्टॉल कर पाता है। 5G नेटवर्क स्टेबल नहीं है एंड 5G नेटवर्क बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बट अभी मैं फिलहाल दोनों स्मार्टफोन को सेम लोकेशन पे सेम टेबल पे रखकर सेम जियो का सिम डालकर आप लोगों को स्पीड दिखा रहा हूँ। एंड स्पीड काफी तेज दिख रहा है iQOO Neo 9 Pro का। 3GB का गेम इसने डाउनलोड कर लिया 100% 2 मिनट 4 सेकंड में एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 21 सेकंड 2 मिनट 21 सेकंड। सेम 3GB का गेम डाउनलोड करने में Poco X6 Pro ने ले लिया 4 मिनट 15 सेकंड डबल टाइम एंड टोटल टाइम लिया 4 मिनट 26 सेकंड 4 मिनट 26 सेकंड। अब चलो गूगल क्रोम से एक APK फाइल 1GB का डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में। वाओ, इस बार Poco X6 Pro ज्यादा तेज दिख रहा है एंड इसने 1GB का गेम, ऑलमोस्ट 1GB का गेम 40 सेकंड्स में डाउनलोड कर लिया एंड iQOO Neo 9 Pro ने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया 1 मिनट 3 सेकंड्स, हिसाब बराबर। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं एंड स्मार्टफोन में ही वीडियोस एडिट करते हैं, तो गाइस ऐसे कंटेंट क्रिएटर के लिए लेकर आया हूं वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। काइनमास्टर ऐप हम यूज कर रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन में दो सेम फाइल मैंने ट्रांसफर कर लिया है एंड दोनों स्मार्टफोन में आप 4K 60fps तक वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो चलो सेम सेटिंग्स अप्लाई करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन वीडियो रेंडर करने में कितना टाइम लगाता है। गाइस, iQOO Neo 9 Pro थोड़ा तेज तो दिख रहा है लेकिन Poco X6 Pro ज्यादा स्लो नहीं दिख रहा है। ओनली 3 मिनट 7 सेकंड्स में iQOO Neo 9 Pro ने टास्क कंप्लीट कर लिया एंड सेम टास्क को कंप्लीट करने में Poco X6 Pro ने 45 सेकंड्स ज्यादा लिया, 3 मिनट 53 सेकंड्स। बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें ना तो एंटूटू स्कोर iQOO Neo 9 Pro का 15-15.5 लाख के आसपास आ जाता है एंड Poco X6 Pro का भी 12-13 लाख के आसपास। 2,73,000 स्कोर मोर और लेस Poco X6 Pro से ज्यादा दिख रहा है iQOO Neo 9 Pro का। iQOO का CPU स्कोर 1,21,000 ज्यादा दिख रहा है लगभग एंड GPU स्कोर भी 94,000 ज्यादा दिख रहा है। Geekbench 6 के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो इसमें डिफरेंस कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। iQOO Neo 9 Pro का सिंगल एंड मल्टी कोर दोनों अच्छे मार्जिन से स्कोर ज्यादा दिख रहा है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस हमेशा सॉलिड आता है, इस बार भी सॉलिड आया है। iQOO Neo 9 Pro 85% और Poco X6 Pro 82%। वैसे मैक्स एंड एवरेज परफॉर्मेंस दोनों iQOO Neo 9 Pro का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अब गाइस, हम ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों स्मार्टफोन का। दोनों 8GB वाला फोन है, एक तरफ है Snapdragon 8 Gen 2, दूसरी तरफ Dimensity 8300 Ultra एंड दोनों में जियो का 5G सिम लगा है। सिस्टम सेटिंग्स दोनों स्मार्टफोन ने एक साथ खोला, दोनों फोन बहुत सुपर स्मूथ फील होता है, बट स्लाइटली ज्यादा स्मूदर फील होगा आपको iQOO Neo 9 Pro 144Hz वाला स्मार्टफोन।
यूट्यूब स्लाइटली इस बार पहले ओपन किया आईकू ने, स्मूथ लगता है दोनों स्मार्टफोन यूट्यूब में स्क्रॉलिंग करते टाइम, बट अगेन आईकू थोड़ा ज़्यादा स्मूदर फील होगा। अब मैं दोनों में एक रील ओपन करके रख लेता हूँ, मल्टीटास्किंग में हम इसको वापस से चेक करेंगे। इंस्टाग्राम गाइज दोनों स्मार्टफोन ने एक साथ ऑलमोस्ट एक साथ ओपन किया है, एंड इंस्टाग्राम दोनों स्मार्टफोन में यूज़ करने में आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा, दोनों में मज़ा आएगा। नाउ मैं किसी पोस्ट का कमेंट ओपन करके रख लेता हूँ मल्टीटास्किंग में, हम वापस से चेक करेंगे इसको। प्ले स्टोर में भी दोनों क्लोज दिखा, लेकिन फुल इंटरफेस लोड करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लिया इस बार पोको ने। दोनों स्मार्टफोन फास्ट है, दोनों स्मार्टफोन का एनिमेशन भी आपको काफी स्मूथ लगेगा। गाइस गूगल क्रोम भी दोनों स्मार्टफोन में सेम टाइम पे ही खुला, अब दोनों में एक सेम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। डे टू डे यूज में दोनों स्मार्टफोन बहुत सही है, स्मूथ एनिमेशन, स्मूथ स्क्रॉलिंग, रिस्पॉन्सिव, फास्ट, बट ज्यादा फास्ट कौन है अभी थोड़ी देर में गेम ओपन करने के बाद पता चल जाएगा। गाइज नॉर्मल एप्स हो गया, अब गेम्स ओपन करके देखते हैं, अब पता चलेगा स्पीड का। तो पहला गेम टेंपल रन 2, वाओ ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया दोनों ने, लेकिन पोको थोड़ा आगे निकल गया। अगला गेम है गाइज सुपर मारियो, देखते हैं इस गेम में क्या होता है। ओके इस बार 2 सेकेंड आगे निकल गया आईकू नियो 9 प्रो। अब फ्री फायर मैक्स, क्लोज था इस बार दोनों, लेकिन फिर से पोको X6 प्रो थोड़ा सा आगे निकल गया। अब एंग्री बर्ड 2, ओके इस बार बहुत पीछे रह गया पोको X6 प्रो, 9 या 10 सेकेंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। अब एसफॉल 9, वाओ ये है स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 वाले आईकू का पावर। अगेन पोको पीछे रह गया, एंड इस बार 9 सेकेंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। अब गाइस जेनसन इंपैक्ट, ये गेम लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, देखते हैं क्या होता है इस बार। अरे यार जेनसन इंपैक्ट जैसा गेम पोको में पहले ओपन हो गया, पोको हार मानने वाला नहीं है। ऐसा लगा था कि आईकू आगे निकल जाएगा, लेकिन पोको निकल गया आगे, एंड इस बार थोड़ा ज्यादा ही स्लो लग रहा है आईकू नियो 9 प्रो। 10 सेकेंड्स ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा और वेट करते हैं। 20-25 सेकेंड्स हो गया अभी तक आईकू ने गेम ओपन नहीं किया, लगता है कुछ लोचा, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। वाओ 25,000 का फोन दोबारा आगे निकल गया 2 बार, एंड इस बार आईकू ज्यादा स्लो फील नहीं हुआ, लेकिन पोको फिर से आगे निकल गया। अब कॉल ऑफ ड्यूटी, देखते हैं इस बार क्या होता है। पूरी बाबा कॉल ऑफ ड्यूटी में भी पोको X6 प्रो आगे निकल गया, 25,000 का स्मार्टफोन 35,000 को पीछे छोड़ दिया। वो 3 सेकेंड पीछे था आईकू, बट पीछे था बॉस। चलो अब देखते हैं BGMI में क्या होता है। अभी तक 4 गेम पोको ने, 3 गेम आईकू ने पहले ओपन किया, BGMI डिसाइड करने वाला है विनर कौन होगा। फाड़ दिया, चीर दिया, फिर से निकल गया पोको आगे। टोटल 5 गेम पोको X6 प्रो ने पहले ओपन किया, आईकू ने 3 गेम ओनली। एंग्री बर्ड एंड एसफॉल 9 में पोको 9-10 सेकंड पीछे रह गया था, बट तीनों हेवी गेम्स जेंसन इंपैक्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड BGMI में 3 सेकंड पीछे रह गया था आईकू नियो 9 प्रो। गाइस अगर बजट है तो डेफिनेटली आईकू नियो 9 प्रो बेटर फोन है गेमिंग के लिए, बट अगर आपके पास पैसे कम है तो आप पोको X6 प्रो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 25,000 का यह स्मार्टफोन आपको बिल्कुल भी गेमिंग में नहीं करेगा, डे टू डे यूज में भी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड स्पीड तो आपने देख ही लिया, एनिमेशन, स्मूथनेस, रिस्पॉन्सिवनेस
दोनों स्मार्टफोन का बहुत सही है। आईक्यू थोड़ा बेटर लगेगा बट प्राइस को कंसिडर करें तो पोको पैसा वसूल है। नाउ 8GB वाला ये दोनों स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आप अगर ज्यादा रैम वाला फोन लेते हो तो आपको ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अगर बजट कम है तो आप 8GB वाले फोन से भी काम चला सकते हो। दोनों का डिस्प्ले अच्छा है, दोनों का स्पीकर अच्छा है, दोनों का कैमरा भी डिसेंट आपको मिल जाएगा, बैटरी बैकअप भी ओके है, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन आईक्यू ज्यादा पहले फोन चार्ज कर सकता है। एंड दोनों ये स्मार्टफोन अपने अपने प्राइस सेगमेंट का एक चैंपियन परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन है, गेमिंग के लिए दोनों सॉलिड है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए आईफोन अनबॉक्स।